नमस्कार दोस्तों, आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि मातृभाव या सुख भाव का अर्थ क्या है। इस वीडियो में मैं आपको लग्न कुंडली के पांचवे घर जिसको पुत्र भाव कहा जाता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कृपया इसको देखते रहिए। जो पांचवा भाव है पुत्र भाव, नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसके साथ कोई भी जातक या जातिका का पुत्र लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। उसी के साथ किसी जातक या जातिका के अंदर कोई टैलेंट है या नहीं, मान लीजिए कोई अच्छा गाना गाता है, किसी का ड्राइंग में बहुत अच्छा हाथ है, या फिर कोई अच्छा बहुत इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, तो इस घर से हम लोगों को पता चलता है। इस घर से हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रेम विवाह मुमकिन है या नहीं। इसके साथ दोस्तों, पुत्र भव से गुप्तांग या फिर यौनांग में कोई व्याधि रोग, जैसे फीमेल के गायनोकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, मेल्स के यौनांग में कुछ समस्या होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुत्र भव यानी लग्न कुंडली के पंचम भाव से यह भी पता चलता है कि उस जातक या जातिका के किसी भी चीज में दूरदर्शिता कितनी होती है। कोई कोई हम लोगों से पूछता है, अच्छा सर, क्या मैं लॉटरी खेल सकता हूं या फिर शेयर खेलना मेरे लिए लाभदायक होगा? तो हम लोग जो ज्योतिषाचार्य लोग हैं वो पुत्र भव को देखते हैं। अगर पुत्र भव यानी पंचम भाव अगर बलवान रहा तो उस जातक या जातिका के स्पेकुलेटिव पावर मतलब दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है, या फिर उसको अचानक कहीं से धन का स्रोत प्राप्त हो जाना, जैसे कि लॉटरी हुआ, शेयर ट्रेडिंग हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, इससे उसको बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको पुत्र भव के बारे में जानकारी दिया इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।